यह है GTS Race न्यूयॉर्क और आप देख रहे हैं सक्सेस स्टोरीज। प्लीज हमारे चैनल GTS Race न्यूयॉर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप आइंदा आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रसूल और आप देख रहे हैं GTS Trans न्यू यॉर्क। आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मेडिकल के एक ब्रिलियंट स्टूडेंट आयशा इम्तियाज साहिबा से, जिनके बारे में कहना ये गलत नहीं होगा, यकीनन वो हमारे मुल्क के उफक पर एक चमकता हुआ सितारा है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आयशा, आप हमारे नाज़रीन को अपने तालीमी सफ़र के बारे में कुछ बताना चाहें? मैंने अपने फिफ्थ के एग्ज़ाम गुजरांवाला बोर्ड के थ्रू दिए और उसके बाद आई डिड माय ओ लेवल फ्रॉम बीकन हाउस एंड ए लेवल फ्रॉम बीकन हाउस न्यूलैंड्स लाहौर। और करंटली मैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा आपकी कोई अचीवमेंट्स जो आपने अपने तालीमी सफ़र में अचीवमेंट हासिल की हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे यकीनन? मैंने फिफ्थ के एग्ज़ाम गुजरांवाला बोर्ड से दिए एंड फॉर दैट आई गॉट 3 years ऑफ स्कॉलरशिप। उसके बाद इन ओ लेवल अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 8 A-stars एंड डिस्टिंक्शन इन फिजिक्स एंड इसकी बेसिस पे मुझे ए लेवल में स्कॉलरशिप मिली एंड आई गॉट एडमिशन इन बीकन हाउस न्यूलैंड्स। और इसमें मैंने 3 subjects पे फोकस किया और आई गॉट 3 A-stars एंड जैसे ही मेरे ए लेवल के एग्जाम्स ख़त्म हुए तो आई हैड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर MCAT। उसके लिए मेरे पास आई हैड अबाउट 2 months, तो मैंने उसमें बहुत मेहनत की और अल्लाह का करम है कि अच्छा रिजल्ट आ गया एंड आई गॉट 97.5% इन MCAT। माशाल्लाह आयशा इम्तियाज, आपका बहुत शानदार तालीमी सफ़र है। लगता है कि किताबों से बहुत पक्की दोस्ती है आपकी। जी, रीडिंग का तो मुझे हमेशा से बहुत शौक था। इवन एज अ चाइल्ड मैं बहुत बुक्स रीड करती थी, वो स्टडी से रिलेटेड हों या फिर वो एक्स्ट्रा हों, मैं बहुत पढ़ती थी। इस सारे तालीमी सफ़र में कहीं वालदैन की तरफ से भी आपको इन्फोर्समेंट थी कि या खुद आपकी अपनी दिलचस्पी थी? नहीं, पेरेंट्स ने तो ऐसे फोर्स नहीं किया, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं खुद ही पढ़ लेती थी बचपन से। आपकी क्या हॉबीज हैं, आज फारिग टाइम में क्या करती हैं, जैसे आजकल कोरोना का हॉलीडेज हैं? रीडिंग करती हूँ, नॉवेल्स नए नए पढ़ती हूँ, उसके अलावा कभी बैडमिंटन खेल लिया या इस तरह ही थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स में। आयशा इम्तियाज, आप कुछ बताना चाहेंगी कि आपके पूरे तालीमी सफ़र के दौरान कहीं आपको ट्यूशन की भी जरूरत पड़ी? नहीं, ट्यूशन की जरूरत नहीं कभी पड़ी। मैं साथ साथ अपना लेक्चर सुनती थी, नोट्स बनाती थी क्लास में और उसके बाद घर आके उनको एक दफ़ा रिव्यू करती थी, तो इस वजह से आउटसाइड हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया, बस इस वजह से जरूरत नहीं पड़ी ट्यूशन की। आप हमारी यूथ को बताना चाहेंगी कि कोई गाइडलाइन देना चाहें? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करें और साथ साथ जो आप पढ़ते हैं स्कूल में घर आके उसको रोज़ का रोज़ पढ़ें। अगर आप उसको इकट्ठा होने देंगे तो वो बहुत ज़्यादा एंड पे काम बन जाएगा। अपने ऑवर्स रोज़ के फिक्स करें और उन ऑवर्स में आपने अपना सेट करना है कि मैंने इसमें पढ़ना ही पढ़ना है, कोई आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन अंदर ना आने दें। जिस तरह आजकल बंदा फ़ोन पर बहुत टाइम वेस्ट करता है, वो भी यूज़ करें, आप अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, लेकिन जब पढ़ने का टाइम हो तो उसमें सिर्फ पढ़ें, फ़ोन साइड पर रखें और उस टाइम में अपना सिर्फ बुक्स पर फोकस करें। उसके अलावा अपना रोज़ का काम साथ साथ करें और मेहनत करें, सच्चे दिल से मेहनत करें। उसके अलावा अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करें तो अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। शुक्रिया आयशा इम्तियाज अपना कीमती वक्त देने का। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो यकीनन आप अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर भी कोई टैलेंट है या आपकी भी कोई सक्सेस स्टोरी है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं gtstransny@gmail.com पे। हो सकता है हमारी अगली सक्सेस स्टोरी की सिटिंग आपके साथ ही हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।